यहाँ पे एक बार और फिर से अपडेट आ चुका है हमारे हाइपर जेटके का एक लेटेस्ट अपडेट जो कि रन कर रहा है हमारा 5.6 का एक लेटेस्ट वर्जन। और इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस लैग, बग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और लास्ट में इंस्टॉलेशन गाइड में ऐड कर दूंगा। इस जेटके के इतने ज़्यादा अपडेट आने लगे ना कि जो पहले एक एक्साइटमेंट रहता था कि भाई एक नया अपडेट आया है जेटके की तरफ से तो मज़ा आने वाला यूज करके, वो एक्साइटमेंट अब काफ़ी तक खत्म हो गया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रेगुलर अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग वर्जन के। 6 का सीरीज अलग चल रहा है, 4 का अलग चल रहा है, 5 का अलग चल रहा है। तो जब कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा मिलने लग जाती है ना तो उसकी वैल्यू खत्म सी हो जाती है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस रोम को देख के फील होती है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने इसका रिव्यू करना चालू किया था तो जब भी अपडेट आता था भाई मज़ा सा आ जाता था, या फिर बहुत ज़्यादा वेट रहता था कि कब अपडेट आएगा। लेकिन अब आए दिन अपडेट मिलते रहते हैं जिसकी वजह से मुझे वो वाली फील नहीं आती, और आई थिंक ये चीज़ आपको भी फील होती होगी। इसके बारे में आपका क्या है ओपिनियन कमेंट जरूर करना। लेकिन रही बात अपडेट कैसा है तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे माई डिवाइस के अंदर 5.6 देखने को मिलता है, जहाँ पे टाइप करने के बाद इस तरीके से कलर चेंज हो जाते हैं और वॉलपेपर का यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, ब्लर वगैरह। बाकी हम आते हैं डिटेल एंड इन्फो के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2.0.7 जो कि CN बेस्ड है, 5.6 हमारा जेटके है। यहाँ पे आपको 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और कर्नल वगैरह आप देख पा रहे हो। और इसके पहले जस्ट मैंने HyperOS 2.2 प्लस का एक रिव्यू किया जो कि CharlieOS की तरफ से था, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा स्मूथनेस के मामले में, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंट है वो चीज़ें मैं थोड़ी सी बताते चलूंगा, आप फिर अपना डिसाइड कर लेना वीडियो को पूरा वॉच करके, या दोनों वीडियो को देख के आप एक को पिक कर लेना। बाकी हम बैक आते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ों पर नजर डाल लेते हैं, जैसे कि एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, चाइना बेस्ड है फिर भी यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाता है। सर्कल टू सर्च आपको मिल जाता है बट मेरा नेट ऑफ है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में वही टूल बॉक्स, साइड बार वगैरह आपको देखने को मिलेगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैटरी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल सही काम करता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, साउंड के प्रोफाइल में वही सारी चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हम डार्क मोड की बात करें तो ये आपका ठीक है, फिक्स किया गया, अच्छी बात है। ब्राइटनेस वगैरह आपका सही रहता है, काम करता है। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 160, 90, 120 देखने को मिलता है। तो एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक है जो कि चॉइस में भी रहता है बट वहाँ पे 1 वगैरह का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे अलाउ ऑल रोटेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। होम लॉन्चर में यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉडिफाइड आपको लॉन्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको आईफोन वाला स्टाइल देखने को मिल जाता है जो कि सही है। रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जेस्चर के अंदर यहाँ पे प्रीवियस ऐप और सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फोर्स डार्क, एडवांस, ब्लर वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाता है। आईफोन एनिमेशन वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पे डॉक का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है जो कि आप ऑन कर सकते हो, यूज करते हो तो, अदरवाइज ऑफ रखो। स्पूफ हाई एंड डिवाइस का एक ऑप्शन मिल जाता है। अनलॉकिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। स्मॉल फोल्डर ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप लॉक वगैरह है। और यहाँ पे आपका जो गूगल का सर्च बार है उसे किस लुक में रखना चाहते हो वो आप पिक कर सकते हो। तो ये टोटल कस्टमाइजेशन मिलते हो, आप देखो यहाँ पे नीचे गूगल का है। और ये जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसके डाउनलोड लिंक के साथ मैं ये वॉलपेपर का लिंक भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि एवरी वीडियो में जो भी वॉलपेपर यूज करूँ वो मैं डाउनलोड लिंक के साथ मेंशन करूँ ताकि आपको मिल जाए। और इसका मैंने यूज किया है वही डायनेमिक वॉलपेपर का यूज करते हुए, इसे मैंने एनिमेट कर रखा है। तो वॉलपेपर निकाल के आप ये रोम डालते हो कोई और जहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन है, आप इस तरीके से उसे एनिमेट कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम के सारे चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा जहाँ पे सारी चीज़ें मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे जो AOD का ऑप्शन है वो आपको अनलॉक मिलता है, जिसे आप ऑलवेज या रख सकते हो या फिर स्मार्ट वर्ड जो भी रखना है रख सकते हो, बट मैं फिलहाल नहीं रखता हूँ। वहीं पे नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, वही बेसिक सी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन सेट वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और साथ साथ लॉक स्क्रीन में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको पॉकेट मोड वगैरह मिल जाता है जो कि आप ध्यान में रखना, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह कंट्रोल है। और यहाँ पे जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है जेटके की तरफ से वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, जैसे कि स्टेटस बार से रिलेटेड आपको अलग अलग क्लॉक स्टाइल मिल जाता है जिसमें से एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि टोटल 9 तक है। बाकी डेटा यूजेज वगैरह, बैटरी यूजेज वगैरह आप बदल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बदल रखा है। यहाँ पे वो का भी ऑप्शन चेंज है जो कि वोल्टी का है, नेटवर्क स्टाइल भी है, बैटरी भी कलरफुल है जो कि यहाँ से चेंज किया है, और डिसेबल प्राइवेसी चिप का ऑप्शन मिलता है।
एडवांस के अंदर आपको फोर्सफुली 120 fps का ऑप्शन मिल जाएगा, सारे डिवाइस की लिस्ट मिल जाती है, यानी जिस भी डिवाइस का स्क्रीनशॉट फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके निकाल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, इस पर टैप कर देता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, तो नेट होना चाहिए क्योंकि नेट मेरा ऑफ है फिलहाल, तो उसका फ्रेम आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे जो भी डिवाइस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जो नेबर वगैरह है उसके अंदर आप मोनेट इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, जो कि सही है, और यहाँ पे मोनेट इफेक्ट भी ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए गए और ये प्रॉपर काम करते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती इनसे रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ साथ कुछ हिडन जो कि फ़ोन के खुद के सेटिंग होते हैं वो एक जगह कलेक्ट किए गए, जो कि आप यूज कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा है, बट ये आपको चार्ली ओएस में देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर स्मूथनेस की कंपैरिजन करें ना, तो स्टार्टिंग पे आपका ये जो कंट्रोल सेंटर है ना, ये थोड़ा लैगी देखने को मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा जिटर और स्टटर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार जैसे आप पूरा सेटअप कर लोगे, यूज कर लोगे हर एक सेटिंग को, उसके बाद ये स्मूथ काम करने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट चार्ली ओएस में ये चीज़ मुझे नोटिस नहीं हुई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे रिजल्ट मिला स्मूथनेस के मामले में, और स्पेशली बैटरी वगैरह भी काफ़ी सही था। बट वहाँ पर जरूरत की सारी चीज़ें फिक्स की गई थी, जैसे कि डिवाइस सर्टिफिकेशन होना, तीनों का पास होना, बैंकिंग ऐप का काम करना, यहाँ पे FPS वगैरह, फोटो स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई थी। बट एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जैसे कि यहाँ पे हमको मिलता है ना, वो चीज़ वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती, जो कि मुझे सिंपल वाला सही लगता है। बाकी विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे यूज कर ही सकते हो, उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और वहाँ पे लाइका कैमरा 6.1 दिया गया था, बट यहाँ पे जो आपको कैमरा मिलता है वो है आपका यहाँ पे वही ओल्डर कैमरा, जो कि आजकल फिलहाल डिफॉल्ट सभी में आ रहा है, तो ये भी आपका प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह कैसा रहता है, तो उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो पता चल सके। और यहाँ पे भी आपको बूटलोडर असूफ ऐड किया गया है, जो कि चार्ली के अंदर भी दिया गया था। बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। असूफ तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तीनों फिक्स है यहाँ पे भी और चार्ली के अंदर भी फिक्स था। सर सर डिवाइस सर्टिफाइड है, जो कि अच्छी बात है। और अनदर हम बात करें यहाँ पे अबाउट सेशन का, तो ये आपको लुक देखने को मिलता है, मैंने आपको शो कर ही दिया है। गेमिंग के अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग आपको मिलता है, जो कि अल्ट्रा एक्सट्रीम है, जो कि चार्ली के अंदर भी था हमारा। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें, 36 के बाद मॉर्निंग में आता है 32, जहाँ पे आप देखो 4% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 8 hours 4 minutes में, जो कि ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा कहूँगा चार्ली ओएस के कंपैरिजन में, या फिर बाकी अदर ओएस के कंपैरिजन में, तो इसे कम से कम 2 या 3% होना चाहिए था, बट ये 4 गया है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल टेस्टिंग यहाँ पे ठीक ही है, क्योंकि नॉर्मल इसी तरीके से आता है, बट जैसे हम परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप देखो 391,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 338,000 है, जहाँ पे 90 का परसेंटेज, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बैटरी यहाँ पे आप देखो कि 15% है, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी सही है, तो पसंद आया मुझे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पे इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो ये भी ओवरऑल सही है, बट ये थोड़ा सा और जाएगा जब हम परफॉर्मेंस बूस्ट करेंगे, तो क्योंकि चार्ली में थोड़ा और बेटर हमें देखने को मिला था, तो ये भी मैं कहूँ अच्छा है, बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद। और यहाँ पे एंटीटू स्कोर तो भाई सिमिलर ही आता है, चाहे आप कोई सा भी रोम डाल लो, तो सेम उसी तरीके से रिजल्ट आया। हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है, जो कि ऑनलाइन 44 गया है, जो कि अच्छी बात है। फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि सही है। कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। 11 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन, HDR 10+ आपको मिल जाता है, जो कि सही है। और चार्जिंग जहाँ पे आप देख सकते हो 8 मिनट में 21% गया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पीड है, 34 में है जो 69 गया है, तो चार्जिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको मिलता है ना, वो बिल्कुल ही सही तरीके से काम करता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, आप इसे यूज कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे गैलरी फीचर्स, तो ये भी आपको अपडेटेड मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करी गई है, बट चार्ली के अंदर थोड़ा और एक्स्ट्रा सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं साइड बाय साइड वो भी बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे, और आप चार्ली का भी वीडियो देख लेना, जो कि वन डे पहले ही मैंने दिया था, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए, बाकी सब कुछ वर्किंग कंडीशन में चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये रोम भी काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं देता, बस यहाँ पे 4% का ड्रेन देखने को मिला स्टैंड बाय। और चार्ली के अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता जैसे कि यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फिक्स करी गई है, और स्मूथनेस वगैरह भी सिमिलर देखने को मिलता है, यहाँ तक कि कह सकता हूँ कि थोड़ा बेटर ही रहता है। तो डिसीजन टोटली आपके ऊपर है, और दोनों हाइब्रिड रोम आता है, ये भी हाइब्रिड है। रही बात डालना कैसे है, तो वही सिंपल सा मेथड होगा, आप अपना अगर रिकवरी से डाले तो वाई फ्लैश फॉर्मेट कर दो, अगर आप TWRP के अलावा PC से फ्लैश कर लो तो बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर लो, जिसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा एंड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि भाई बहुत ज़्यादा अपडेट आ रहे हैं, जिसकी वजह से फीलिंग थोड़ी सी डाउन हो गई है, उसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि क्या आपको भी सेम लगता है या फिर नहीं लगता, क्योंकि अपडेट आ रहे हैं अच्छी बात है, बट जब जरूरत से ज़्यादा अपडेट आते हैं ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाती है, पर्सनली मुझे फील होता है। आपका क्या है शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है, तो ठीक से सुनना, समझना और फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेना है, पासवर्ड मोड ऑन करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करें, पासवर्ड मोड ऑन on...
दोनों ही आपको फिर से कनेक्ट कर देना है। अब जो भी रोम आप फ्लैश करें उसे अनजिप कर लेना, जैसे कि मैंने कर रखा है। उसके अंदर आपको इंस्टॉलर बैट फाइल देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग नेम से आपको दिखाई दे सकता है, तो अपने हिसाब से पिक कर लेना और डबल क्लिक करके रन कर देना। आपसे मे भी पूछ सकता है कि फॉर्मेट करना है या नहीं, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसके हिसाब से आपको कमांड को एंटर कर देना है। रूट का अगर ऑप्शन आता है तो आप अपने हिसाब से रूट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर केएससी वगैरह या कर्नल वगैरह जो कुछ भी आता है यहाँ पे सीएमडी के ऊपर अपने हिसाब से सेलेक्ट करते जाना। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, जिसमें 5 या 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, फोन पे बूट लोगो आ चुका है और टूल पे लिखा हुआ आ गया प्रेस एनी की। समटाइम ये लिखा हुआ नहीं आता है, समटाइम आपसे पूछ देगा कि फॉर्मेट करना है या नहीं। जो कुछ भी आता है उसके हिसाब से आप जो अपना काम कर लेना और उसके बाद आपका जो फोन कुछ ही मिनट में बूट कर जाएगा हाइब्रिड मेथड यानी बैट फाइल रन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो फोन ऑन हो चुका है काफी ईजी तरीके से। रिकवरी मेथड के लिए फिर से आपको पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट मोड में ऑन हो जाएगा। उसके बाद पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जिस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आपको नहीं पता तो देख लेना, काफी इजी है और वन टाइम ये इंस्टॉल कर देता है। बस आपको यहाँ पे रन करना है बैट फाइल को और जो भी इमेज फाइल आपने रख रखा है रिकवरी का वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार बस वाई क्लिक कर देना है और आपके फोन के अंदर वन टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा और रिकवरी ओपन भी करके दे देगा। जैसे ही आपका फोन ऑन होता है आपको जो फाइल को ब्राउज कर लेना है और सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। आप चाहो तो स्टार्टिंग में नॉर्मल वाइप वगैरह कर सकते हो। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको सिंपल यहाँ पे आना है वाइप के ऊपर, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यहाँ पे आपको यस टाइप करना है और फॉर्मेट करके रिबूट कर लेना है। जस्ट रोम के कंप्लीट फ्लैश होते ही आप एक बार रिबूट टू रिकवरी कर लो। ऐसे में अगर डिफॉल्ट रिकवरी दिया गया है रोम के अंदर तो आपका रिकवरी एक बार रिप्लेस हो जाएगा डिफरेंट रिकवरी के साथ। तो ऐसे कंडीशन में आपको सेम रोम को एक बार फिर से रीफ्लैश मार देना है। कंप्लीट होते ही फाइनल आपको वाइप पे जाना है, ये फॉर्मेट पे जाना है, यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। कंप्लीट फॉर्मेट होते ही रिबूट कर देना है, कुछ ही मिनट में आपका फोन यहाँ पे ऑन हो जाएगा और आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कैसे क्या कुछ करना है और कैसे आप जो रोम को इंस्टॉल कर सकते हो पीसी मेथड या रिकवरी मेथड से। जो भी मेथड आपको सही लगता है या जो भी आपके लिए परफेक्ट रहता है वो आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।